मेरा नाम हरदास सिंह तूर, रिंकू एमसी, वार्ड नंबर 22। रात 3 बजे मेरे घर के आगे 10-12 जो लोग थे वो आके उन्होंने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी और वो कहने लगे आज एमसी का इलाज पक्का करना है। इतनी देर में मेरी वाइफ ने सुन लिया और मेरी वाइफ ने उसी टाइम बच्चों को लेके नीचे उतरी। नीचे उतर के इन्होंने देखा, हमने कैमरों में अंदर बढ़ के कैमरों में देखे थे। उन्होंने पहले तो कैमरों को तोड़ने की कोशिश की, फिर दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। मुझे इस बात की वो इनका साजिश चल रही है कि इन्होंने मैंने 3 मामले उजागर किए हुए हैं। एक तो थेड वाला मामला था, एक भ्रष्टाचार हुआ था कमेटी के बीच में पोलों का, जिसमें 27,71,737 रुपये की रिकवरी आई थी, जिसमें अफसर भी हैं और ठेकेदार भी हैं। और तीसरा मामला है वो मेरे बड़े भाई ने डेरे का जो कोश के गवाही दे रखी है उसका ये तीसरा ये था। मुझे आज तक जो तीसरा मामला ये है कि आज तक ऐसा कभी भी ये डेरे में जो बहुत बड़ा अंडकोश निकालने का काम डेरा सचदा ने किया था उसको उजागर करने का काम मेरे बड़ा भाई गुरदास सिंह तूर ने किया था। और मुझे अंश है कि आज से 3 महीने पहले मेरे गनमैन मेरी रैकिंग की जा रही थी। मेरे गनमैन को पूछा जा रहा था कि तू ड्यूटी पर है कि अन ड्यूटी पर है। उसकी डीएसपी के पास गुरदास गनमैन ने वहाँ रिटर्न में ये लिख के दे दिया है कि मुझे पूछा जा रहा है और मुझे दबाने की कोशिश ये की जा रही है कि ये इस मामले से सीबीआई जांच के लिए मैंने थेड मामले में वो किया है। और जो लाइटों का मामला था अनिल विज की जो ग्रीन उसमें कमेटी में है उसमें लगना था, उसी को दबाने की कोशिश में मुझे मेरे पर रैकिंग की जा रही है। और मेरा कल ही गनमैन जो अपने घर गया था और इन्होंने रैकिंग करके और रात को 3 बजे मेरे घर हमला कर दिया गया। ये नशे का व्यापार करते हैं जिसमें दर्शना का लड़का, दर्शना वाइफ ऑफ रतन उसका एक लड़का है, लड़का चिट्टे में कई बार पकड़ा गया है। और इनके साथ जो लड़कों ने मार कुटाई ये शीशे तोड़े जब ये करे हैं उसमें 307 के भी पर्चे दर्ज हैं। इसकी पूरी जाँच की जाए। इन्होंने किसी से पैसे लेके मुझे मरवाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, जैसे डेरे वाला मामला है, जो थेड़ वाला मामला है, या उसमें मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी पूरी जांच की जाए, सख्त से सख्त जांच की जाए, इसका पता लग सके। इस झगड़े के अंदर लगभग 10 और 15 के बीच में आदमी शामिल है। दो औरतें हैं, एक औरत जो ये कहती है कि मैं सदर थाने में लगी हुई हूँ, मेरे पुलिस मेरे हाथ में है, कुछ नहीं कर सकते बेटा, तुम इसका इलाज कर दो पक्का, वो ये कह रही थी। हाँ, वीडियो फुटेज है, उसमें लेडी जी आई है, अलग से बैठ के इन्होंने मीटिंग की है। उसमें ये कहा कि मैं छुड़वाऊंगी, तुम मारते जाना, मैं छुड़वाती रहूँगी। ये इन्होंने ये किया है, ऐसा ही प्रशासन से मैंने शिकायत की है और प्रशासन मेरा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और प्रशासन ने ये कहा है कि हम सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।